कोविड-19 महामारी के दौरान हो रही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूरी तरह से एहतियात बरती जाएगी और सभी परीक्षा केंद्रों को दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हमीरपुर जिला में 10,000 के करीब छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए 95 सीनियर सेकेंडरी व 34 हाई स्कूलों में परीक्षा केंद्रों में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जबकि पहली बार 6 परीक्षा केंद्रों में सावित्री बाई फुले के नाम से केंद्र तैयार किए गए हैं। उपनिदेशक शिक्षा सेकेंडरी दिलवरजीत चंद्र ने बताया कि अभी तक हमीरपुर जिला में केवल मात्र एक ही छात्र कोविड पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है, जिसकी परीक्षा बाद में दिलवाई जाएगी। शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी दिलवरजीत चंद्र ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जिला में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके तहत सभी सेंटरों को सैनिटाइज किया गया है और परीक्षा केंद्रों में 2 कमरे रिजर्व रखे गए हैं, ताकि परीक्षा देने पहुंचे किसी छात्र का तापमान अधिक आता है तो ऐसे छात्रों को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो 10th और प्लस 2 की परीक्षाएं कल से होने जा रही हैं, उसके लिए हमारा जिला हमीरपुर पूर्णतया तैयार है। सभी जो सेंटर हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो चुकी है, सीटिंग प्लान बच्चों को बैठाने के लिए बन चुका है, विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। ये सभी स्कूल हेड्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि सबसे पहले बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कहा जाए कि बिल्कुल वेल इन टाइम वो आए स्कूल में आधा घंटा पहले, और उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड सैनिटाइजेशन हो, और उसके बाद तभी जाके उनकी एंट्री हो। और अगर कोई बच्चा लगता है कि इसको टेम्परेचर है, खांसी है, जुकाम है, तो हर स्कूल के अंदर इस तरह से 1 या 2 कमरे जो हैं वो अलग से आइसोलेशन रूम के रूप में रखे गए हैं। तो ऐसे बच्चों को अलग कमरे में ही बैठा के पेपर लिए जाएंगे। ये दिशा निर्देश बोर्ड की तरफ से भी हैं और हमने भी पूरे जिला के अंदर ये निर्देश जारी कर दिए हैं। में हमारे पास जो जितने 95 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और सभी में परीक्षा केंद्र हैं। हाई स्कूलों में हमारे पास 34 जो हाई स्कूल हैं उनके अंदर परीक्षा केंद्र हैं सरकारी तौर पे, और 6 सेंटर वो हमने पहले भी बताया था कि ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे हमारे लेडी स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। दिलबरजीत चंद्र ने बताया कि कोविड-19 के चलते पूरी एहतियात बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि पिछले दिनों 74 अध्यापक भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैल का 1 छात्र कोविड पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी परीक्षा अब बाद में ली जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त छात्र को व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। हमारे पास पॉजिटिव मामले जो बच्चों के थे, 2 मामले थे पहले, बड़े शुरू में आए थे वो पिछले साल। उसके बाद अभी रिसेंटली आज ही रैल स्कूल का एक बच्चा है जो पॉजिटिव आया है 2 दिन पहले, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी पहुंची है, तो उनको भी बता दिया है कि ऐसे बच्चे को स्कूल नहीं बुलाना है और उसका पेपर जो है वो बोर्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली पेपरों के बाद ही होगा। अब तक जो डाटा है हमारे पास वो है 57 टीचर जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और इस वक्त भी आइसोलेशन में हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन 2 चले हैं और 7 टीचर बरडू के हैं जो आइसोलेशन में हैं। इस तरह से बाकी के जितने केसेस थे वो हमारे लगभग आइसोलेशन वो अपनी पूरी करके अब उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट देके वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। चेयरमैन बोर्ड की तरफ से जो हमें दिशा निर्देश मिले हैं उनके अनुसार हमने फील्ड में बता भी दिया है कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो ऐसे केसेस में उसका एग्जाम जो है वो बाद में लिया जाएगा एज पर डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड्स। दिलबरजीत चंद्र ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान समय समय पर उड़न दस्ते के द्वारा भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत 3 डिप्टी डायरेक्टरों की अगुवाई में टीमें तैयार की गई हैं, जो परीक्षा केंद्रों में हर स्थिति का जायजा लेंगी। विभाग की तरफ से जो हमारे
डिप्टी डायरेक्टर तीन बैठते हैं, हायर एलिमेंट्री और इंस्पेक्शन, तो उनको भी बोर्ड की तरफ से, विभाग की तरफ से जो निर्देश हैं वो जारी हैं कि एक एक जो उड़न दस्ता है उनकी देखरेख में काम कार्य करेगा और वो स्वयं भी अलग अलग सेंटरों पे जाएंगे और परीक्षा का जो संचालन है उसको सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग करेंगे और कहीं पे कोई ऐसा अनफेयर मीन्स जो है वो ना हो, इसकी पूरी निगरानी रखेंगे।